गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपके जो भी वन डे एग्जाम्स हैं, चाहे वो CGL का हो, DHSL का हो या FCI, इवन आप CUET की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो भी रीजनिंग का सेक्शन होता है, बैंकिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी वन डे एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट PCS का हो, चाहे वो स्टेट वन डे एग्जाम्स हो, उनमें रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं, आज डिस्कशन उस पर है। डिफरेंट टाइप के चैप्टर से मैंने इस पेपर को बनाया हुआ है, ठीक है। डिस्कस करेंगे एक एक करके, एक एक क्वेश्चन, ठीक। जैसे यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस चैप्टर को बोला जाता है क्लासिफिकेशन, ठीक। कभी कभी इसी को बोला जाता है ऑड वन आउट, ठीक है। इसी चैप्टर का नाम है ऑड वन आउट, ठीक। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, SSC का तो फेवरेट चैप्टर माना जाता है वो, चाहे आप MTS का एग्जाम दे रहे हो, CGL का, CHSL का, CPSI का, जो भी आप SSC के एग्जाम्स देंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट। क्या करना होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, यानी कि किसी लॉजिक में ये सिमिलर होंगे। एक चौथा ऑप्शन होगा जो कि इन तीनों ऑप्शन से डिफरेंट होगा, वही ऑड वन आउट कहा जाएगा, वही क्लासिफाई हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा सर कैसे सॉल्व करना होता है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में पहला ऑप्शन क्या है, 88। तो आपको 88 से ये समझ में आ रहा होगा कि सर इवन नंबर है ये, 88 क्या है, इवन नंबर है। आपने कहा सर दूसरा नंबर क्या है, 97 है। आपने कहा दूसरा नंबर 97 है, 97 क्या है, ऑड नंबर है। आपने कहा 132 इवन नंबर है, 121 ऑड नंबर। तो 2 इवन मिल रहे हैं, 2 ऑड मिल रहे हैं, तो ऐसे तो क्लासिफाई हम कर नहीं पाएंगे। तो क्या करना होगा, कुछ अलग लॉजिक सोचना होगा। जब इवन ऑड का लॉजिक ना लग पाए तो आप देखिए कि इनके डिजिट सम का भी लॉजिक हो सकता है। तो आपने कहा अगर सर डिजिट सम किया जाए, 8+8 तो 16 हो जाएगा, 9+7 16 हो जाएगा। इन दोनों में 16 तो मिला, लेकिन 132 और 121 में आपको 16 नहीं मिल पाएगा, यानी कि डिजिट सम का भी लॉजिक नहीं हुआ। तो आपको देखना है कि सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। कहने का मतलब है प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि अपने से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा। आपने कहा सर सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर क्या है, 2, फिर 3, आपने कहा 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे करते हुए जाएंगे। आपने कहा सर 88 तो डिविजिबल है, ये प्राइम नहीं हुआ, 132 डिविजिबल है, ये प्राइम नहीं हुआ, 121 डिविजिबल है, ये प्राइम नहीं हुआ। तो प्राइम हुआ क्या, आपने कहा 97 इसमें प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होने की वजह से ये क्या है, इन 4 ऑप्शन में से अलग है, इस वजह से ये ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था आपका जो क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट से लिया गया था, ठीक। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑड वर्ड या ऑड वन आउट। आपने कहा सर ऑड वन आउट कैसे इसमें सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपने कहा सर ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, बोला गया है 1728 यानी 1728 ये दिया गया है। आपने कहा सर फिर दिया है 4096। आपने कहा फिर है 5832, फिर है 2746 ये दिया गया है। तो हमने कहा है और हम कहते भी हैं अपने क्लास में कि अगर आप SSC यानी वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1 से लेकर के 40 तक स्क्वायर्स
याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक या 25 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो आपका एग्जाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग मिला करके होंगे जो स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न पर आते हैं, ठीक है। तो जैसे जिनको ये चीज़ें याद रहती हैं वो स्टूडेंट ईजली ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1728, तो ये क्यूब है। अब अगर क्यूब आपको याद होता तो आप तुरंत कर पाते। जैसे 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब क्या होता है तो आपने कहा 1331, 1331। वहीं पर 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728, 1728। आपने कहा तो ये 12 का क्यूब है, ठीक। 4096, 16 का क्यूब है ये। आपने कहा 5832, ये किसका क्यूब है तो आप कहोगे ये सर 18 का है, ठीक। लेकिन 2744 ये किसी का क्यूब नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया। अगर यही 2744 होता तो ये क्यूब होता, लेकिन ये 2746 है तो ये किसी का क्यूब नहीं है, जबकि ऊपर के ये तीनों नंबर्स क्या थे, क्यूब थे, इस वजह से ये एक जैसे हैं। डी वाला ऑप्शन अलग। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, choose the word which is least like the other word in a group, ठीक है। आपका सर ऐसे वर्ड को आपको चुनना है जो कि चार ऑप्शन में से तीन एक जैसे हैं, किसी लॉजिक से, किसी पैटर्न से एक होगा जो डिफरेंट है इन चारों में से। आपने कहा सर कैरेट दिया गया है, जिंजर है, पोटैटो है और टोमेटो। तो आपने कहा सर ऊपर की ये तीन जो वेजिटेबल्स हैं ये क्या है, ग्राउंडेड है कि नहीं। टोमेटो एक ऐसा है वेजिटेबल जो कि ग्राउंडेड नहीं है, तो यही आपका अलग है, बाकी एक जैसे। ये लॉजिक था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 138, 1942 और 89, ये सीरीज का क्वेश्चन है। आपने कहा सर सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे। आपने कहा सर 1 है, 3 है, 8 है, 19 है, 42 है, 89 है और क्वेश्चन मार्क, ये दिया गया। आपने कहा सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी अगर ऐसी सीरीज आए जिसमें स्क्वायर क्यूब ना दिख रहा हो या कोई डायरेक्ट पैटर्न ना मिल रहा हो तो सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं। आपने कहा डिफरेंस किसका। आपने कहा सर 1 और 3 का अगर हम डिफरेंस ले लें तो क्या आ जाएगा, 2। डिफरेंस आ जाएगा 2। आपका 3 और 8 का डिफरेंस लेके देखें तो आ जाएगा 5। 8 और 19 का डिफरेंस लेके देखें तो आ जाएगा 11। आपने कहा सर वही 1942 के बीच में डिफरेंस लेके देखिए कितना आएगा, तो यहां से डिफरेंस लीजिए कितना आ जाएगा, 23। आपने कहा इनमें डिफरेंस लीजिए कितने का डिफरेंस बन जाएगा, आपने कहा ये 47 ऐसा। आपका तो अगला वाला डिफरेंस किसका होगा। आपने कहा सर रुकिए जरा, ये 2, 5, 11, 23, 47 ये चल क्या रहा है। आपने कहा सर प्राइम नंबर्स अभी आपने देखा था, प्राइम नंबर्स। आपने कहा सर प्राइम नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि अपने से डिविजिबल हैं या फिर 1 से। तो 2, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद आप देखेंगे 13 आएगा, 13 के बाद आप देखेंगे तो 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, फिर 23 आएगा, ऐसे करके ये चलेगा आगे। आपने कहा सर ये तो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, कैसे। आपने कहा सर 2 के बाद 5 ऐड हुआ, 5 के बाद 11 ऐड हुआ, 11 के बाद क्या ऐड होना चाहिए था। आपने कहा सर 11 के बाद ऐड होना चाहिए था 23, ठीक, 23 ऐड होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। आपने कहा सर आगे क्या होगा,
आपने कहा सर 89 के बाद आगे क्या चीजें आएंगी। आपने कहा सर प्राइम नंबर में अगर देखें तो यहाँ पे 17 ऐड होना चाहिए था जबकि ऐड 23 हुआ है। आपने कहा तो प्राइम का लॉजिक तो नहीं होना चाहिए। आपने कहा अगर प्राइम का लॉजिक नहीं है तो फिर किसका लॉजिक है। आपने कहा सर स्क्वायर या क्यूब करके एक बार देख लेते हैं। ठीक, आपने कहा अगर प्राइम नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ दूसरा लॉजिक होगा, दूसरा पैटर्न चेक कर लेते हैं। आपने कहा ऐसा पैटर्न हो सकता है 1 × 2 + 1 तो बन जाएगा 3 × 2 + 8 बन जाएगा। आपने कहा सर यहाँ पे 8 × 2 + 3 आपने कहा ये 19 बन जाएगा। ठीक है, अभी तक ये पैटर्न सही चल रहा है। आपने कहा 19 × 2 + 4 = 42 सही चल रहा है। आपने कहा सर 42 × 2 = 84 हो जाएगा + 5 आपने कहा 89 ठीक चल रहा है। आपने कहा 89 × 2 + 6 ये ऐड होना चाहिए तो 90 का 2 × 180 होता है, 2 और कम कर लो 178, 178 में 6 ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 184। बी इज योर राइट आंसर। ठीक, पहले आपने प्राइम नंबर चेक किया, पहले डिफरेंस लिया आपने। आपने कहा सर जब हमने डिफरेंस लिया तो डिफरेंस में हमको प्राइम नंबर्स दिख रहे थे लेकिन वो पैटर्न सीधे फॉलो नहीं कर पा रहा था क्योंकि 2 के बाद 3 का गैप तो 5 ऐड किया था, 5 के बाद 7 का गैप तो 11 ऐड किया था, 11 के बाद 13 का गैप तो 17 ऐड करना चाहिए था लेकिन उसने ऐड 23 किया तो प्राइम का तो सीरीज वहाँ नहीं हो पाया, अल्टरनेट प्राइम का सीरीज नहीं हो पाया। आपने कहा फिर क्या सोचेंगे, आपने कहा हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 1 से अगर 3 लाना है तो 1 × 2 + 1, 3 से 8 लाना है 3 × 2 + 2 आपने कहा इंटू 2 हर जगह चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉन्जिक्यूटिव एडिशन चल रहा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नित्या इज सैम्स सिस्टर, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जनरेशन चार्ट आपको पता होना चाहिए और जनरेशन चार्ट के साथ साथ आपको ये देखना होता है कि जनरेशन में कौन किस जगह पे आएगा। जैसे यहाँ पे अगर बोला जाए तो कहा जा रहा है नित्या इज सैम्स सिस्टर। आपने कहा सर नित्या किसकी बहन है, सैम की, तो नित्या यहाँ पे आ गई। आपने कहा नित्या जो है वो बहन है यानी कि सिस्टर है तो फीमेल मेंबर है, माइनस साइन आपने लगाया, किसकी बहन है ये सैम, सैम इसी जनरेशन में आएगा, इसी सेम जनरेशन में आएगा। आगे बोला गया है मोहन इज सैम्स फादर, आपने कहा इसके पापा कौन है, यहाँ पे आ गए। ठीक, सैम्स फादर है ये। आगे बोला गया है सेल्वन इज राजन्स सन एंड राजन इज मोहन्स ब्रदर, आपने कहा यहाँ पे कौन आ गया, राजन। ठीक, राजन क्या है, मोहन का भाई और उसका लड़का कौन है, आपने कहा सेल्वन यहाँ है। तो क्वेश्चन हमसे ये किया जा रहा है हाउ इज नित्या रिलेटेड टू सेल्वन। आपने कहा यहाँ से यहाँ तो रिलेशन कैसा, अगर एक ही मदर एंड फादर एक ही हैं यानी पेरेंट्स एक ही हैं तो सिबलिंग्स हुए और पेरेंट्स अगर एक नहीं है तो कजिन, तो आपने कहा पेरेंट्स तो एक नहीं है इनके तो ये क्या हो जाएंगे, कजिन। इज योर राइट आंसर। ठीक है, ब्लड रिलेशन में इतना चीज़ याद रखिएगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन जेंडर बाई नेम, नाम से कभी जेंडर डिसाइड नहीं होगा और जब तक जेंडर डिसाइड ना हो जाए तब तक आप ब्लड रिलेशन में रिलेशन बता नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि अगर एक ही पेरेंट्स हैं तो बच्चे आपस में सिबलिंग्स होंगे, सगे होंगे, लेकिन पेरेंट्स अगर अलग अलग हैं तो वो बच्चे आपस में कजिन हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन सूरज सेज, एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए सूरज ने कहा है, क्या कहा है, ही इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर्स वाइफ। कौन ये बोल रहा है ये बात? सूरज बोल रहा है। तो सूरज ने अपने लिए कहा है, किसको दिखा करके, जिस फोटोग्राफ को दिखा करके या जिस पर्सन को दिखा करके ये बोल रहा है उसके बारे में कह रहा है, ही इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो आपने कहा सर सूरज के फादर यहाँ आएंगे एक जनरेशन ऊपर सूरज से, और उनकी मदर यानी उनके फादर की वाइफ यानी उनकी माँ हुई, उनके सिस्टर का लड़का है ये, इनकी सिस्टर का लड़का है जिसकी तरफ सूरज पॉइंट करके बोल रहा है। यही क्वेश्चन में कहा गया था, ही इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरी पापा के जो वाइफ है यानी पत्नी है यानी मेरी जो माँ है उनकी बहन यानी कि जो मौसी है हमारी, उनका लड़का है जिसकी तरफ ये सूरज पॉइंट कर रहा है। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू सूरज? आपने कहा सर कजिन, कजिन आंसर है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्शन का है, और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एग्जाम में, वन डे एग्जाम्स का आप कोई भी एग्जाम अगर आप देखें उठा करके, तो 1, 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर आपको डायरेक्शन के भी दिखेंगे, ब्लड रिलेशन के भी दिखेंगे, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हमने उस पूरे चैप्टर को यहाँ पे रखा हुआ है, उनके क्वेश्चंस को रखा है। यहाँ पे बोला गया है अक्षत वॉक्ड 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट। अब आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे देखना होता है ये आप लोग जानते होंगे। आपने कहा सर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो कॉपी में जिधर हमारा फेस सामने होगा वो डायरेक्शन होगा नॉर्थ, उसका अपोजिट साउथ होगा, जिधर राइट हैंड है वो डायरेक्शन ईस्ट की है और जिधर लेफ्ट हैंड है वो डायरेक्शन है वेस्ट का, यही है ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ये डायरेक्शन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को? क्वेश्चन ये कह रहा है अक्षत वॉक्ड 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट, टुक अ राइट टर्न, पहले ईस्ट की तरफ जाता है कितना 30 मीटर। आपने कहा सर यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट से मूव करता है 30 मीटर गया ईस्ट की तरफ, फिर क्या बोला है टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। आपने कहा राइट टर्न का मतलब ये रहा राइट ये रहा लेफ्ट, राइट टर्न करता है और कितना आता है, आपने कहा सर 40 मीटर आता है, 40 मीटर आता है। फिर देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। आपने कहा ये रहा राइट ये रहा लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लेता है और कितना आता है, आपने कहा 30 मीटर आता है, ये 30 ठीक। फिर क्या बोला गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में ये अब जा रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट, जहां से ये स्टार्ट किया है अपनी जर्नी, आपने कहा इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और जहां पे ये पहुंचा है इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट बोला जाता है। तो आपने कहा इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट किधर की तरफ है, ये डायरेक्शन है ईस्ट ये है साउथ, ईस्ट और साउथ के बीच की सब डायरेक्शन को क्या बोला जाता है साउथ ईस्ट। तो आंसर सी होगा साउथ ईस्ट, और ईस्ट के अगर बात किया जाए डायगोनली कौन सी साइड आएगी, या आप बोलेंगे साउथ और ईस्ट के बीच से कौन सी सब डायरेक्शन आएगी, तो आप कहोगे ये डायरेक्शन कही जाएगी साउथ ईस्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड टू बी, ठीक है। आपने कहा पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, कोई पर्सन है जो कि पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और किधर की ओर जा रहा है, आपने कहा सर पॉइंट बी की ओर गया, कितना गया है, तो आपने कहा सर ईस्ट की तरफ
3 किलोमीटर चला है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, फिर क्या बोला गया? वो अपने बाएं तरफ टर्न करता है, टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल थ्राइस दैट ऑफ डिस्टेंस, यानी जितना डिस्टेंस ये चला था उसका 3 गुना ये चलता है। तो यानी कि 3 का thrice times, यानी 3 times कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर। आपने कहा है यानी लेफ्ट टर्न करता है और ये 9 किलोमीटर जाता है। ठीक, फिर क्या बोला गया? फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है ये किस पॉइंट पर पहुंच जाता है? पॉइंट नंबर सी पर पहुंच जाता है। फिर बोला गया ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 times ऑफ द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी कवर किया था इसने? 3 किलोमीटर, उसका 5 times, तो 5 time का मतलब हो गया 15 किलोमीटर। ये अपने लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करके आया है। आपने कहा 15 किलोमीटर। किस पॉइंट पर पहुंच गया है ये? पॉइंट नंबर डी पर पहुंच गया। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आया। आपने कहा अगर ए टू बी की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो यहां से यहां इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आपने कहा 3 किलोमीटर। आपने कहा तो टोटल 15 था, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपने कहा ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। आपने कहा इतनी डिस्टेंस 9 किलोमीटर की है, तो ये 9 किलोमीटर। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। आपने कहा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का अगर देखें तो हाइपोटेनस क्या होगा? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपने कहा यानी कि रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 144 प्लस 81 इक्वल्स टू रूट 225 इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। आपको ट्रिपलेट भी पता होगा, ट्रिपलेट याद भी रखा करिए कि 9-12 का ट्रिपलेट क्या होता है? 15। डायरेक्ट आंसर करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका क्वेश्चन है लॉजिकल वेन डायग्राम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लॉजिकल वेन डायग्राम का। अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है लॉजिकल वेन डायग्राम से। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है? आसान होता है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा गया है? द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। तो 3 आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, एक कबड्डी प्लेयर का है, एक क्रिकेट प्लेयर का है और एक फुटबॉल प्लेयर का है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु प्ले ऑल द 3 games। तो सभी 3 गेम खेलने वाला वही स्टूडेंट होगा जो 3 में क्या हो? कॉमन हो, 3 में कॉमन हो। तो आपने कहा 3 में कॉमन केवल एक पर्सन यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है? एस। डी इज योर राइट आंसर। 3 में कॉमन, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिसिंग नंबर। अब देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में डिपेंड करेगा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना फास्ट काम कर रहा है, लॉजिक कितना अच्छे से आप सोच पा रहे हो, कितने मैक्सिमम क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस कर रखा है। अगर मान लीजिए आपने नंबर्स के साथ, आप नंबर के साथ फ्रेंडली नहीं है, आप नंबर्स के पजल को सॉल्व नहीं किए हैं, आप नंबर्स के स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साथ गो थ्रू नहीं हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको बहुत परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो लॉजिक कम आएगा आपके माइंड में, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसका लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, तो आपने कहा सर ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में इसको हम क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, ये क्या है? रो। आपने कहा इसको रो बोला जाएगा। ये क्या है? आपने कहा ये कॉलम है, कॉलम, रो और कॉलम। आपने कहा सर अगर देखा जाए तो 17-12 से 25 किसी लॉजिक से आया होगा, किसी लॉजिक से आया होगा। आपने कहा 11-13 से 4 किसी लॉजिक से आया होगा। ठीक, क्या लॉजिक हो सकता है? अब यही सोचना है,
आपने कहा सर 17 और 12 को अगर हम ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 29 बन जाएगा। आपने कहा 29 में से 4 माइनस अगर हम कर दें तो 25 मिल जाएगा। आपने कहा सर आगे भी फिर यही फॉलो होना चाहिए था, 13 और 11 को ऐड करेंगे तो 24 होगा, और अगर 4 माइनस करते तो यहाँ आता 20 जबकि आया है 4, तो ये तो लॉजिक है नहीं। आपने कहा फिर क्या लॉजिक हो सकता है, आपने कहा इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो। आपने कहा सर 17 और 12 का अगर हम डिफरेंस लें तो आएगा कितना 5, इसी का स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा 25। आपने कहा यही लॉजिक आगे भी होना चाहिए। आपने कहा चलिए 11 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 2, इसका स्क्वायर कर दें तो कितना बन जाएगा 4, यानी यहाँ लॉजिक काम कर रहा है। तो अगला नंबर क्या है 19 और 16, इनका डिफरेंस कितना आएगा, आपने कहा सर आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा ए इज योर राइट आंसर। ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर का ही है, कैसे सॉल्व करना है ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि इन दोनों नंबर से ये कैसे आया, इन दोनों नंबर से ये कैसे आया, या फिर इन दोनों नंबर से ये मिड वाले कैसे आए, ये भी तो लॉजिक हो सकता है। आपने कहा कुल मिला करके हमको लॉजिक सही सेट करना है बस, तो कैसे होगा। आपने कहा सर एक काम कर सकते हैं, अगर 110 और 90 को देखें, 110 और 90 इन दोनों का सम 200 होगा, और अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 100, ये मिल जाएगा इन दोनों से। आपने कहा इसको जरा देखिए, आपने कहा दूसरा वाला 80 और 40 इन दोनों का सम। आपने कहा सर इन दोनों का सम अगर देखें तो 80 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 120 अपॉन 2, ये हो जाएगा 60। आपने कहा मिल रहा है। ऐसे किन दो नंबर का सम करके डिवाइड बाय 2 करें कि 120 आ जाए। आपने कहा सर क्वेश्चन मार्क प्लस 150 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 100, यहां से ये कितना हो जाएगा 240। आपने कहा क्वेश्चन मार्क आएगा 240 माइनस 150, ये हो जाएगा 90, एक यानी डी इज योर राइट, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ZWSPLIE। आपने कहा सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स। तो आप देखेंगे ए से लेकर के जब जेड तक आप लिखते हो, लेफ्ट से राइट की ओर जब आप ए टू जेड अरेंजमेंट करते हो, तो सबसे पहले आपने ए को लिखा है, यानी ए का प्लेस वैल्यू आपने फिक्स कर दिया है कि 1 है। उसी तरीके से आपने B का प्लेस फिक्स कर रखा है 2 है, C का प्लेस 3 है, D का प्लेस 4 है, E का प्लेस 5 है। ऐसे करते हुए Z तक आप जाएंगे तो Z की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे लिखा क्या क्या था, आपने कहा सर Z है, W है, S है, P है, L है, I, E और क्वेश्चन, ये था। सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लीजिए इनकी प्लेस वैल्यू में, तो आंसर जल्दी आप निकाल पाओगे। आपने कहा ये है 26, ये है 23, ये है 19, ये है 16, ये है 12, 9 है 5। आपने कहा अच्छा 26 से 23 होने का मतलब -3 है, 23 से 19 होने का मतलब -4 है, फिर -3 है और अगेन -4। आपने कहा ये -3 एंड ये -4, तो अगला जो पैटर्न होगा वो किसका होगा, -3 का होगा। तो e-3 यानी 5-3 यानी कि 2 का मतलब क्या है, आपने कहा b, ठीक, इज योर राइट आंसर, ये आगे
क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर है, एकदम बिल्कुल एक जैसा, यानी कि प्लेस वैल्यू से ही काम होना है। ठीक, क्या है, क्या दिया गया है? आपने कहा सर यहाँ पे लिखा हुआ है जी एच, फिर क्या लिखा हुआ है जे एल, जे एल, फिर लिखा हुआ है एन क्यू, फिर लिखा हुआ है एस डब्ल्यू, फिर लिखा है वाई डी, ये लिखा हुआ है। आपने कहा जी की प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या है, 7 है। आपने कहा जे की प्लेस वैल्यू क्या है, 10। एन की प्लेस वैल्यू है 14, एस की प्लेस वैल्यू है 19 और वाई की प्लेस वैल्यू है 25। ऐसे ही देखने में आपको पता चल गया सर यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे आप देखोगे +5 चल रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो +6। आपने कहा नेक्स्ट टर्म जो होगा वो +7 का होगा, तो याद रखिएगा वाई में जब आप +7 ऐड करोगे तो ये रोटेशन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि 25 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा, 32। और आपके पास लेटर टोटल कितने होते हैं, लेटर है 26। तो अगर वैल्यू 32 आ रही है जो कि 26 से ज़्यादा है तो इसी वैल्यू में से 26 माइनस कर लेते हैं, तो 32 माइनस 26 इक्वल्स टू व्हाट, 6। 6 का मतलब क्या है, एक आपने कहा यानी कि अगला टर्म जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एफ से स्टार्ट होगा, अगला टर्म एफ से स्टार्ट होगा। आगे आपने कहा इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8, इसकी प्लेस वैल्यू 12, इसकी प्लेस वैल्यू 17। आपने कहा क्या ऐड हुआ है, आपने कहा यहाँ से यहाँ +4, यहाँ से यहाँ +5। आपने कहा सर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, आपने कहा ये 23 है तो +6। आपने कहा सर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, आपने कहा ये 4 है तो यानी +7। तो अगला क्या होगा, आपने कहा सर डी से क्या होना है, +8। तो आपने कहा सर 4 + 8 = 12, 12 का मतलब क्या होता है, L। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, एफ एल, डी इज योर राइट आंसर। ठीक, यानी पहले वाले क्या चल रहे हैं, +3 + 4 + 5 + 6 + 7, दूसरे वाले चल रहे हैं +4 + 5 + 6 + 7, ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है एसी है, एफएच है, केएम है, पीआर है, फिर क्वेश्चन मार्क। आपने कहा सर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, अगर प्लेस वैल्यू पता है तो क्वेश्चन आसान है। आपने कहा लिखा हुआ है एसी कॉमा एफएच कॉमा केएम कॉमा पीआर कॉमा क्वेश्चन, यही था। आपने कहा सर प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, ये 3 है। आपने कहा सर ये 6 है, ये 8 है। आपने कहा ये 11 है, ये 13 है, ये 16 है, ये 18 है, यानी दोनों में नंबर का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। आपने कहा सर 1 से 6 होने का मतलब है +5 है, 6 से 11 होने का मतलब है +5 है, 11 टू 16 होने का मतलब है +5 है, तो नेक्स्ट टर्म भी +5 होगा, यानी 16 + 5 = 21। आपने कहा 21 यानी कि लेटर स्टार्ट विद यू, यू से स्टार्ट होगा। अब आपको होगा सर ऐसे में तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ए ऑप्शन भी मिल रहा है, सी ऑप्शन भी मिल रहा है। आपने कहा नेक्स्ट टर्म देखिए, 3 to 8 होने का मतलब है +5 है, 8 से 13 होने का मतलब +5 है, 13 से 18 होने का मतलब है +5 है। आपने कहा नेक्स्ट टर्म फिर +5 से आएगा, यानी 18 + 5 = 23, 23 मीन्स व्हाट, W, यू डब्ल्यू इज योर राइट आंसर। आपने कहा यानी ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। ठीक है,
पूरा का पूरा पैटर्न वही है कि प्लेस वैल्यू अगर आपको पता है, प्लेस वैल्यू आप जानते हैं, अपोजिट अगर जानते हैं, तो कम से कम 4 चैप्टर आपका कवर हो जाता है। अगर अल्फ़ाबेट के बारे में आपने ठीक ढंग से पढ़ाई कर ली तो कम से कम रीजनिंग के 4 चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, पहला चैप्टर तो ये कवर हो जाता है, दूसरा आपका है क्लासिफिकेशन, तीसरा है एनालॉगी और चौथा है कोडिंग डिकोडिंग। तो 4 चैप्टर केवल अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू, अपोजिट और रोटेशन पे है। अगर ठीक ढंग से आपको प्लेस वैल्यू पता है, अपोजिट लेटर्स का आ रहा है, रोटेशन के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप इन 4 चैप्टर में, और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं 4 चैप्टर से देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो SSC के CGL का Tier 1 उठा के देख लीजिए, चाहे आप CHSL का Tier 1, Tier 2 जो भी है आप उसको उठा के देख लीजिए पेपर, सबसे ज़्यादा इन 4 चैप्टर से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 25 में से। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, आपने कहा सर रेट का जो कोड है वो कितना दे रखा है, रेट का कोड यहाँ पे दे रखा है 39। आपने कहा रेट का कोड इसने दे रखा है 30, कैसे 39 हो सकता है? आपने कहा सर R का जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना है 18, A का प्लेस वैल्यू 1 है, T का प्लेस वैल्यू 20 है। आपने कहा इनको आपस में अगर हम ऐड कर दें तो क्या 39 मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आपने कहा ऐसे चैट को अगर हम ऐड करें, आपने कहा सर प्लेस वैल्यू ऑफ C इज 3, H की प्लेस वैल्यू 8, A की प्लेस वैल्यू 1, T की प्लेस वैल्यू है 20। आपने कहा इनको आपस में ऐड कर लीजिए, आपस में जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको मिलेगा कि सर 32 है। तो आपको करना क्या होगा, बस ट्विटर को लिखिए और उनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आपने कहा हमारा जो वर्ड था वो क्या था, ट्विटर। ऐसे था, आपने कहा इसी को चेक करना है। ठीक, स्पेलिंग देख लीजिए, TWITEE, यही था, इसी को चेक करना है। आपने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, आपने कहा सर 20 है, ये 23 है, ये 9 है, ये 20 है, ये रहा 20, ये 5, ये रहा 18। एडिशन कैसे करना है, आपने कहा ये 3 20 हैं, इनको अलग कर लो, आपने कहा ये कितने हो जाएंगे 60। आपने कहा फिर, आपने कहा सर अब बचा क्या क्या, ये बचा, आपने कहा ये हो गया 32, आपने कहा ये दोनों बच गए, ये क्या हो गया 23, तो ये आया 5, 115 डी इज योर राइट, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का है। ऐसा क्वेश्चन आपके CUET एग्जाम में भी आता है, अगर आप 10+2 के बाद CUET अंडर ग्रेजुएट UG का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इवन CUET के PG प्रोग्राम में, उसमें भी जनरल टेस्ट आता है GT का, जिसमें रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बाकी आपके SSC CGL CHSL वनडे एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। कैसे सॉल्व करना होता है ध्यान देंगे। आपने कहा सर यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इसकी RPS ट्राई स्टैंड फॉर नाइस संडे मॉर्निंग, ऐसे करके कोड कुछ बनाए गए। आपने कहा SKI यहाँ पे लिखा हुआ, एक RPS और यहाँ पे लिखा है ट्राई, ये किसके लिए आया है, तो आया है नाइस संडे मॉर्निंग के लिए है। फिर लिखा गया है PEH STI RPS, ये आया है एवरी ट्यूजडे मॉर्निंग के लिए। ठीक है, एवरी ट्यूजडे मॉर्निंग इसके लिए है। आगे फिर बोला गया है SKI PTR and QLM, ये आया है नाइस मार्केट प्लेस, इसके लिए है
क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड स्टैंड फॉर संडे, संडे के लिए कौन सा वर्ड आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपने कहा सर नाइस यहाँ पे है, नाइस यहाँ पे। अगर वर्ड कॉमन है फर्स्ट और थर्ड वाली लाइन में तो इसके करेस्पॉन्डिंग कोड भी कॉमन होंगे। यही कहता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, यही कहता है कि अगर किसी लाइन में वर्ड कॉमन है तो उनके करेस्पॉन्डिंग कोड भी उसी लाइन में कॉमन होने चाहिए। आपने कहा ठीक है, इन दोनों लाइन में क्या एक ऐसा है जो कॉमन है। आपने कहा एस के आई यहाँ पे एस के आई है, नाइस का कोड तो एस के आई हो गया। आपने कहा सर मॉर्निंग क्या कहीं कॉमन है, आपने कहा बिल्कुल, कहाँ पे है, आपने कहा फर्स्ट वाले लाइन में है, सेकेंड वाले लाइन, इन दोनों में। तो इन दोनों में कोई ऐसा होगा जो कॉमन होगा, आपने कहा बिल्कुल आरपीएस आरपीएस ये कॉमन है दोनों लाइन में, हटा दो। तो आपने कहा सर कोड किसका पूछा था, संडे का, संडे बच गया और टी आर आई बच गया, इज योर राइट ऐसा। जस्ट इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। अब देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा और अगर एग्जाम में आया तो 1 मार्क्स यानी कि 1 question 2 marks आपके SSC के लिए फिक्स है। ठीक, कैसे, आपने कहा सर 786 ये है स्टडी वेरी हार्ड, ठीक 958 ये क्या है। आपने कहा इसका मतलब है हार्ड वर्क पेज, एक आगे है 645 इसका मतलब है स्टडी एंड वर्क, कोड आपका पूछा है वेरी का कोड बताइए, कैसे कोड करोगे आप। आपने कहा सर पैटर्न वही है, करना वही है, क्या करना है। आपने कहा पहले देखना है कि इनमें कौन कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है। तो आपने कहा कोड हमको निकालना था वेरी का, तो वेरी यहाँ पे दिख रहा है, तो आप कहिए कि सर स्टडी यहाँ पे है यहाँ पे, तो इन नंबर में से कोई एक होगा जो दोनों में होगा। आपने कहा 6 यहाँ पे है 6 यहाँ पे, यानी स्टडी के लिए 6 आ रहा हो। हार्ड कहाँ पे है, आपने कहा सर हार्ड यहाँ पे है और यहाँ पे है, इन दोनों लाइन में कुछ कॉमन आ रहा होगा। आपने कहा 8 आ रहा है यहाँ पे, तो आपने कहा वेरी बच गया तो उसके लिए कौन बच गया, 7 ऐसे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि इफ ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू बिगनिंग ए फॉर 1, ठीक। आपने कहा सर ए के लिए इसने कहा है कि ए के लिए 1 अगर असाइन कर लिया जाए, ए के लिए 1 असाइन किया जाए, बी के लिए 3 असाइन किया जाए। आपने कहा यानी ऑड नंबर्स असाइन किए जा रहे हैं, तो किसका कोड पूछा है, हाई का कोड क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो आपने कहा सर एक बात बताओ, ए की प्लेस वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, 1, 1 में 0 अगर ऐड कर लें तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, 2 में 1 ऐड कर लें तो 3 मिल जाएगा। आपने कहा उसी तरीके से सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, 3 से 1 कम यानी 2 ऐड कर लें तो यहाँ 5 मिल जाएगा। आपने कहा डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 में 3 ऐड कर लें तो 7, यानी जिसका भी नंबर असाइन किया जा रहा है उसकी प्लेस वैल्यू प्लस प्लेस वैल्यू माइनस 1, प्लेस वैल्यू से 1 कम उसी की प्लेस वैल्यू में ऐड कर लिया जा रहा है। यानी एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है तो इनमें 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15, 9 प्लस 8 17, यहां कितना आ जाएगा 7 प्लस 6 13, एच आपने कहा 15, बस इन नंबर को उठा करके ऐड कर लो, तो 15 15 30, 17 13 30, तो 30 प्लस 30 इक्वल्स टू व्हाट, यस ठीक। तो यहां तक रखते हैं, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप ला सकते हैं, लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको SSC CHSL CGL के टीयर 1 के लिए प्रिपेयर करना है तो इन चैप्टर पे कमांड आपको होना चाहिए। और ऐसा हम कोशिश करेंगे कि डेली बेस पर एक सीरीज ऐसे लाई जाए क्वेश्चंस की जिसमें प्रैक्टिस कराया जाए। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।